नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? प्रतिमा दासी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? भगत जी मैं जिला सतना एमपी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने 5 फरवरी 2018 को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से भक्ति साधना करने से पहले मैं देवी देवता की पूजा करती थी, खास करके काली माता की मैं बहुत भक्ति करती थी। 9 मैं व्रत उपवास करती थी, जो कि मैंने पानी भी नहीं पीती थी, निर्जला उपवास करती थी और पैरों पर चप्पल भी नहीं पहनती थी और 9 बहुत भक्ति करती थी। ये भक्ति साधना करते हुए मुझे कोई लाभ तो नहीं हुआ पर ढेर सारी हानियाँ हुई। सबसे पहले तो मुझे ये हानि हुई कि मेरे को हमेशा बुखार और मेरे को पेट पे दर्द बना ही रहता था, जिसके कारण मैं किसी भी कार्य में ध्यान नहीं लगा पाती थी, ना पढ़ाई पे, किसी भी चीज पे। और जब मैं मंदिर जाती थी, किसी भी तरह की कोई भी मंदिर में जाती थी, तो मुझे ना महाकाली जैसा प्रकोप होता था, तांडव टाइप का करती थी, डांस करती थी उन्हीं की तरह। और महाकाली का सीरियल वगैरह कुछ भी देखना मुझे बहुत पसंद था, मतलब महाकाली मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पर इसके साथ साथ मुझे तकलीफ भी बहुत होती थी, उसके दौरान मुझे बीमारी भी हुई, कैंसर होते होते रह गया मुझे। मेरा ऑपरेशन हुआ तो बताया गया कि अगर आज आपका ऑपरेशन नहीं होता तो आपको 24 घंटे के अंदर वो पंपिंग हो जाता, सिस्टर में पानी जो था वो पंपिंग होता, जिससे आपको बीमारी हो जाती, वो कैंसर का रोग हो जाता। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मेरे को एक दिन जहाँ मैं जॉब करती थी, ऑफिस था, कलेक्ट्रेट ऑफिस में मैं जॉब करती थी, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पे एक शिष्य थी संत रामपाल जी महाराज जी की, जिनका नाम मंजू दासी है, उनके हाथ पे मैंने वो टैली काउंटर देखा था। तो मैंने पूछा था कि ये क्या चीज है, मुझे बताओ। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया मुझे और मैंने उनको अपनी समस्या बताई कि अगर मुझे ये समस्या ठीक होती है तो मैं गुरु जी से नाम दीक्षा लूंगी। तो उनके बताने अनुसार उन्होंने मुझे मंदिर लेके गई, उन्होंने कहा आप केवल मंदिर चलो मेरे साथ और आपको कुछ भी नहीं होगा, आप मेरे साथ रहोगे। सर मैं मंदिर पे गई उनके साथ और जैसे ही मंदिर में मैं जाती हूँ, जैसे कि दरवाजे से ही मुझे वो चीजें चालू हो जाती थी, मैं नाचने लगती थी। मगर जब उनके साथ गई तो जब तक वो मेरे साथ थी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा ये कैसे, मुझे बहुत सॉफ्ट लगा कि आखिर मुझे हुआ क्यों नहीं कुछ, क्योंकि मुझे हर मंदिर में होता था पर उनके साथ जब मैं गई तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा कुछ तो पावर है आपके पास, आपके गुरुजी में, जो मुझे ये चीजें होने नहीं दे रही है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिर मुझे ये संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया, सबसे पहले उन्होंने जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान, हमने 3 पुस्तकें बताई जिनमें से मैंने जीने की राह उनसे ली। और जीने की राह जो मैंने सृष्टि रचना पढ़ा तो मेरे समझ में आई कि ये भक्ति कैसी थी और हम कर कैसे रहे थे। भक्ति हम जो कर रहे थे वो शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे थे, मगर जो भक्ति गुरु जी बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, वो शास्त्रों के अनुकूल है। वो साधना हमें करने से हर तरह का लाभ मिलता है। तो जैसे ही मैंने जीने की राह को स्टडी किया और 3 मैंने एक दिन रात एक कर दिया, जैसे मैंने उसको पूरा स्टडी किया उसके बाद मुझे ज्ञान हो गया कि आखिर शास्त्रों के अनुकूल साधना है क्या और उससे मुझे कैसे लाभ मिलेगा। जैसे ही मैंने उसको गुरु जी से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, वैसे ही मुझे नाम दीक्षा लेने से पहले ही सारे लाभ होने लगे। मुझे वो चीजें जो भूत प्रेत बाधा थी, जो मुझे तकलीफ थी, सारी छू हो गई। और 5 फरवरी 2018 को मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर, मुझे सभी सुख मिलने लगे जो कि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपने बॉडी पे हमेशा एक भारी भारी सा पर सर पे भारी भारी सा बोझ लेके रहती थी, मैं किसी से कुछ बात भी नहीं करती थी, मैं बहुत गुमसुम रहती थी। पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली, वैसे ही मुझे लाभ होने लगे और मैं खुश रहने लगी। और जब मैं भूत प्रेत बाधा से परेशान थी तो काफी तांत्रिक के पास गई, मैं मंदिर में गई, काफी धाम घूमे कि यहाँ ऐसा करो वहाँ वैसा करो, कराती रही। और यहाँ तक कि मैं डॉक्टर के पास भी गई तो भी कुछ भी नहीं हुआ। मैं 4 तक काफी परेशान थी, पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली उसके पहले से ही मुझे भूत प्रेत बाधा दूर हो गई और उस समस्या से मैं निजात हो गई। मुझे थायराइड की बीमारी थी जो कि दवा चल रही थी मेरी कंटिन्यू, डॉक्टर ने बताया था, पहले तो क्लियर ही नहीं हो रहा था, काफी डॉक्टर के पास गई, फिर लास्ट जब बीबी गुप्ता इंदौर के डॉक्टर हैं जो MBBS, उनके पास गई तब उन्होंने फाइंड किया कि आपको थायराइड है और काफी ज्यादा था और मैं चल भी नहीं पा रही थी, बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा सा भी चलती थी तो मुझे सांस फूलती थी और चक्कर भी बहुत ज्यादा आता था। जब गुरु जी से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो धीरे धीरे वो भक्ति करने से थायराइड की बीमारी मेरी ठीक हो गई। आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, मैं अपने साथ रिपोर्ट भी लेके आई। मुझे जो थायराइड था इस रिपोर्ट पे आप देख सकते हैं कि मुझे थायराइड था, बट गुरु जी की संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे थायराइड अब बिल्कुल भी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ।
मेरे को छोटी बहन ने गुरुजी को मतलब जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनको चेक करने के लिए उनकी भक्ति कितनी शक्ति है, उनमें कितना पावर है, इसके लिए उन्होंने मेरी छोटी बहन ने मुझे चाय पे जहर दे दिया था, जहर की गोलियां दे दी थी टेबलेट, जिसकी वजह से मुझे उनको ये लगा था कि ये मर जाएगी और भक्ति नहीं करेगी। अगर इसके संत रामपाल जी महाराज में अगर शक्ति है पावर है तो इसे बचा लेंगे। तो जैसा कि उनका जो डाउट था वो क्लियर हुआ, जैसे ही मैंने वो जहर पी लिया था लगभग थोड़ा सा ही बचा था, तो मुझे काफी पेट पे जेलसी हुई और मुझे लगा कि मैं बेहोश भी होंगी, तो मैंने दंडवत करके संत रामपाल जी महाराज के सामने प्रतिमा के सामने और जैसे ही उनका प्रसाद और चरणा मत लिया मेरे को कुछ भी नहीं हुआ और मैं आज भी उसी तरह सुरक्षित हूँ। संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही आज मैंने जहर जो मुझे पिलाया गया था उसके बाद भी अगर मैं जिंदा हूँ तो केवल संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही, उन्होंने ही मुझे जीवन दान दिया है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो भगत समाज आज आपको देख रहा है और जो लोग दुखी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? सर, मैं संदेश देने लायक तो नहीं हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज जो साधना बता रहे हैं हमें, वो शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों का और सभी ग्रंथों से वो एक एक चैप्टर खोल के उंगली रख रख के बताते हैं कि कहाँ पे क्या लिखा और हमें कैसी साधना करने से, कैसी भक्ति करने से कैसे लाभ होगा। और हमें सारे ग्रंथों को देख के मैच करके और ज्यादा नहीं, जितना मतलब जितना भी हो सके आप सत्संग सुनो और जैसे ही आपको क्लियर हो कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जी जो साधना भक्ति बता रहे हैं शास्त्रों के अनुकूल वो सही है, तो आप उनसे नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करें। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आज तो हर जिले में नामदान सेंटर खोले गए हैं। आप जिस जिले पे रहते हैं उसी जिले पे आप नामदान सेंटर पता कर सकते हैं। न्यूज चैनल पे सत्संग आता है जिसे आप देख सकते हैं, उसके नीचे पीली पट्टी आती है जिसपे लिखा रहता है कि आप नाम दीक्षा लेने के लिए नंबरों पे कॉल करें तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा नामदान सेंटर किस जिले में। आप जिस जिले में रहते हैं वहीं पे आपको ये सुविधा प्रोवाइड होगी और आप नाम दीक्षा लेकर आप भक्ति करके आप अपना जीवन कल्याण करें। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद सर।